आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई वी फ्लूट के बारे में जो कि आजकल बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं आपने कभी ना कभी ये जरूर देखे होंगे या फिर आपको इनकी जरूरत भी पड़ी होगी तो हम जानेंगे कि आई फ्लूट क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं और ये कब कब यूज़ किए जाते हैं तो यदि आप कोई मेडिकल स्टूडेंट है या फिर आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम कोई टर्म यूज़ करने वाले नहीं है हम आपको सिंपल भाषा में बताएंगे कि आई फ्लूट क्या होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पहले हम समझ लेते हैं कि आई फ्लूट होता क्या है क्योंकि आई फ्लूट की फुल फॉर्म होती है इंट्रावेनस फ्लूट यानी कि ऐसा फ्लूट जो कि हमारी वेंस में दिया जाता है आप जानते हैं हमारे हार्ट में या हमारे हृदय में दो तरह की नलिकाएं पाई जाती हैं आर्टरीज और वेंस जिनमें से आर्टरी हमारे हृदय से खून को लेकर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जाती है और इसके बाद हमारे शरीर से खून को वापस हृदय में ले जाने के लिए वेंस पाई जाती हैं तो इन्हीं वेंस में इंट्रावेनस फ्लूड दिया जाता है जिससे वो सीधे हमारे हृदय में जा सके और उसके बाद हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक जा सके तो इसलिए हम वेंस में फ्लूड को देते हैं तो आप ये समझ गए होंगे अब आगे चलते हैं पहले हम जान लेते हैं कि आई फ्लूड कितने टाइप के होते हैं या फिर इंट्रावेनस फ्लूड कितने टाइप के होते हैं तो जनरली ये पांच टाइप के होते हैं जो कि कॉमनली हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं जिनमें पहला है एन यानी कि नॉर्मल सलाइन बोतल तो इसमें क्या होता है इसमें नॉर्मल एन होता है दूसरा है डी यानी कि डैक्स्ट्रोस नॉर्मल सलाइन तो इसमें नॉर्मल सलाइन के साथ में डेक्स्ट्रोस भी होता है जो कि एक टाइप का शुगर है तीसरा है यहाँ पर आर इसकी फुल फॉर्म है रिंगर लेक्टेड सोल्यूशन फोर्थ है डी फाइव डी टेन डी ट्वेंटी फाइव सोल्यूशन एंड यहाँ पर लास्ट है मैनीटोल सोल्यूशन तो इनमें अंतर क्या है तो देखिए ये जो शुरू के चार हैं ये चारों हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन में यूज़ किए जाते हैं यानी कि जब हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो उस समय ये यूज़ किए जाते हैं जबकि जो ये लास्ट है मैनीटॉल सोल्यूशन तो ये उल्टा है तो ये तब यूज़ किया जाता है जब हमारी बॉडी में पानी की ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो उसे निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है तो हम इनके बारे में बारी बारी से अब जान लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे है एन एस यानी कि नॉर्मल सलाइन बोतल तो हम जानेंगे इसका कम्पोजिशन क्या है और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है तो देखिए इसमें जीरो पॉइंट नाइन परसेंट एन ए सी एल होता है यानी कि हंड्रेड एम एल में जीरो पॉइंट नाइन परसेंट एन ए सी एल होता है आप जान लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है तो नंबर वन डिहाइड्रेशन यानी कि यदि किसी की बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो इसका यूज़ किया जाता है नंबर टू यूज़ फॉर वुंड वॉशिंग और ये घाव को साफ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि इस पर नॉर्मल सलाइन होता है नंबर थ्री यूज़ फॉर डायलूट कंसनट्रेटेड इंजेक्शन यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि काफ़ी गाढ़े होते हैं तो उन्हें पतला करने के लिए यानी कि उसमें मिलाकर इनका यूज़ किया जाता है और ऐसे व्यक्ति जिनका एक्सीडेंट हुआ हो और जिनमें फ्लूड लॉस हो गया हो तो उसमें भी इनका यूज़ किया जाता है आप जान लेते हैं कि इसकी डोज कितनी होनी चाहिए तो देखिए इसे चौबीस घंटे में इसकी तीन से चार बोतल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और इसके कुछ काउंटर इंडिकेशन है यानी कि इनमें इसे किस किस में यूज़ नहीं किया जाता तो ऐसे पेशेंट जिनमें जिन्हें हाइपर यानी कि उनका बीपी बढ़ा रहता है या फिर ऐसी महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट होती है उनमें इसका यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि आप जानते हैं एनए क्या है एनएसियल नमक है और ये हमारे बी को बढ़ा देता है तो ऐसे पेशेंट जिनका बी पहले से बढ़ा हुआ है यदि हम उनमें ये यूज़ करेंगे तो उनका बी और बढ़ जाएगा एन इसके बाद है डी एन नॉर्मल सलाइन देखिए इसमें अंतर क्या है इसमें नॉर्मल सलाइन के साथ में डेक्सट्रोज भी होता है जो कि एक टाइप की शुगर है तो इसलिए इनका यूज़ डायबिटिक वाले पेशेंट में नहीं किया जाता आप जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है तो देखिए इसमें जीरो पॉइंट नाइन परसेंट एन के साथ में फाइव ग्राम डेक्सट्रोज भी होता है और इसकी डोज़ यानी कि इसे 24 घंटे में तीन से चार बोतल इसकी हम यूज़ कर सकते हैं जान लेते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या है यानी कि इसे हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं नंबर वन डिहाइड्रेशन यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनमें पानी की काफ़ी कमी हो गई हो तो उसमें ये यूज़ किया जाता है और हमें इसे डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट में यूज़ नहीं करना चाहिए नंबर टू हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी कम हो गया हो या जिनमें ग्लूकोज की कमी हो गई हो तो उसमें भी डी का यूज़ किया जाता है नंबर थ्री है टू ट्रीट इंसुलिन सॉप देखिए इंसुलिन शो क्या होता है यानी किसी व्यक्ति का इंसुलिन अचानक से काफ़ी कम हो जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है और ऐसे व्यक्ति जिनका एक्सीडेंट हुआ हो और जिनमें फ्लूड लॉस हो गया हो तो उसमें भी डी का यूज़ किया जाता है दैन इसके बाद है आर एल यानी कि रिंगर इलेक्टेड सोल्यूशन तो देखिए इसमें क्या होता है इसमें कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होता है यानी कि जब भी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो इसका यूज़ किया जाता है तो इसमें क्या क्या होता है जान लेते हैं इसमें होता है सोडियम क्लोराइड सोडियम इलेक्टेड पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड ये सब पानी में मिले होते हैं और हम इसकी 24 घंटे में एक से दो बोतल यूज़ कर सकते हैं आप जान लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है तो नंबर वन डिहाइड्रेशन यानी कि डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी में और इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट यदि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए जैसे कि यदि किसी को दस्त वगैरह हो जाते हैं तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है नंबर टू बर्न यदि कोई जल जाता है या किसी की सर्जरी होने वाली होती है तो उस दौरान भी इसका यूज़ किया जाता है और यहाँ तक कि न्यूट्रिएंट डिफिशेंसी यानी कि किसी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है जैसे कि हम कुपोषण भी कहते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है और यदि किसी व्यक्ति का हाई पोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है और ये डायबिटिक वाले पेशेंट के लिए सूटेबल है यानी कि उनके लिए यूज़ करना इसका सही है तो डायबिटिक वाले पेशेंट में भी इसका यूज़ किया जा सकता है अब बात कर लेते हैं हम डी फाइव डी टेन एंड डी ट्वेंटी फाइव देखिए यहाँ पर डी की फुल फॉर्म है डेक्सट्रोज तो डेक्सट्रोज एक टाइप की शुगर है तो यहाँ पर केवल डेक्सट्रोज का ही यूज़ किया जाता है तो इसमें केवल डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन होता है और इसमें क्या देखिए तो डी फाइव है इसमें हंड्रेड एम एल में फाइव ग्राम डेक्सटोज होता है जबकि टेन डी टेन में हंड्रेड एम एल में टेन ग्राम डैक्सटोज होता है जबकि डी ट्वेंटी फाइव में हंड्रेड एम एल में ट्वेंटी फाइव ग्राम डैक्सटोज होता है यानी कि इसमें डेक्सटोज का अमाउंट बढ़ता जाता है तो कंडीशन के हिसाब से इसका यूज़ करते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें काफ़ी मात्रा में डेक्सट्रोज होता है यानी कि शुगर होती है तो इसलिए इसे डायबिटिक वाले पेशेंट में यूज़ नहीं करते यानी कि ऐसे पेशेंट जिन्हें शुगर की बीमारी है उसमें इसका यूज़ नहीं किया जाता तो इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है इसका यूज़ वीकनेस यानी कि कम कमजोरी में जो कि किसी बीमारी की वजह से हो डिजीनेस फॉर एनर्जी और डिहाइड्रेशन इनमें इसका यूज़ किया जाता है और हम इसकी चौबीस घंटे में तीन से चार बोतल यूज़ कर सकते हैं अब लास्ट है मैनिटोल सॉल्यूशन यानी कि डाय तो डायरेटिक क्या होते हैं यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि हमारे यूरिन आउटफ्लो को बढ़ा देती है यानी कि हमारे यूरिन को बढ़ा देती है तो इनका यूज़ कब किया जाता है जब हमारी बॉडी में पानी की ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो इनका यूज़ किया जाता है तो ये क्या करती हैं दोस मेडिकेशन विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इन बॉडी तो हम देख चुके हैं और इसमें क्या क्या होता है इसमें हंड्रेड एम एल में ट्वेंटी ग्राम मैनीटोल होता है अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है तो देखिए इसका यूज़ एडिमा यानी कि सूजन यदि हमारी बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग हो जाती है तो उसे कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है यूज़ टू ट्रीट ओलीगो यूरिया यदि किसी व्यक्ति को बहुत कम यूरिन पास होता है या उसे बहुत कम पेशाब आता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है एंड यूज़ एज डाई डायबिटिक मतलब कि जो हमारे पेशाब को बढ़ा देती हैं और हमारी बॉडी में स्वेलिंग को कम कर देती है या फिर हमारे ब्लड प्रेशर को कम कर देती है तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है देखिए ये वीडियो केवल आपके नॉलेज पर्पस के लिए जिससे आप जान सके कि कौन सा आईवी वी फ्लूड कहाँ पर यूज़ किया जाता है और इनका यूज़ डॉक्टर ही करते हैं इसलिए आपको इन्हें खुद से यूज़ नहीं करना चाहिए तो इस वीडियो में इतना ही था यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी यू